देखना भाई, इस बार कंपटीशन में हम ही दोनों जीतेंगे। चाहे इसके लिए कितना भी तैयारी क्यों ना करना पड़े, कितना भी बम पटाखा क्यों ना फोड़ना पड़े, फोड़ेंगे। पूरा गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा पूरा धमाका मचा देंगे, धमाका। साला धमाका मचा देगा, एको घटी पड़ाकर बम नहीं है, पूरा धमाका मचाएगा। साला इससे सही धुआं भी नहीं निकलेगा। हम तो ये भी लाए, तुम तो ये भी नहीं लेके आया। आ गया भीख मंगा जैसे मुंह उठा के। चुप साला, एकदम चुप। मेरा बाप का नाम है दुर्गा, घर में ला के रखे दो पैकेट पटाखा, छाप मुर्गा। अच्छा ठीक है, चलो अभी इसको उड़ाते हैं, तेरा वाला रात में उड़ाएंगे। हाँ साला, हे हेलमेट उतारो, माचिस लाओ, अभी बम उड़ा के दिखाते हैं। हेलमेट लेगा क्या? ए हटा साला, यही सब बम उड़ाने के लिए हेलमेट पहनेंगे? 20 साल का एक्सपीरियंस है, बिना हेलमेट के उड़ाएंगे बम? उसी समय बोल रहे थे कि हेलमेट पहन के उड़ा, लेकिन नहीं, 20 साल का एक्सपीरियंस है, घुस गया ना सब एक्सपीरियंस पिछवाड़ा में। अरे ऐसा बात नहीं है, वो बम में फॉल्ट था। ला लो दूसरा बम ला। अरे जल्दी दो। अरे नहीं, इसको हम अपने उड़ाएंगे। चलो, मेरा बाप का नाम है दुर्गा, घर में ला के रखे दो पैकेट पड़ाका, छाप मुर्गा। जल्दी ला, चलो चला। नो 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 नो। साला तुम तो मेरा पूरा थोपड़ा बिगाड़ दिया। अरे वो थोड़ा उसमें भी फॉल्ट था। दूसरा लो, लास्ट ये रॉकेट बचा है। हाँ चलो चलो। साला सोचे निकलेगा हाथी, लेकिन ये तो चीटी निकल गया। नो 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 नो। साला ऊपर से नीचे कैसे गिरे? अरे लीटन और सीटन, तुम दोनों मुंह पे काली पतवा के कहां से आ रहा है? अरे चाचा, काली पतवा के नहीं आ रहे हैं, वो दिवाली का कंपटीशन आ रहा है ना, तो उसी का प्रेस्टी कर रहे थे, तो बम सामने में ही फट गया, इसीलिए मुंह करिया करिया हो गया है। अच्छा हुआ कि मुंह के सामने फटा, नहीं तो कुछ और फट जाता। दिवाली का कंपटीशन कोई मामूली बात है क्या? था मेरा दो बेटा जो दिवाली कंपटीशन हर बार जीतते आ रहा था, लेकिन अफसोस इस बार वो दोनों जेल में है, और बेल भी नहीं मिलेगा उन लोगों को। अरे चाचा, ऐसे कैसे नहीं बेल मिलेगा? गांव का इज्जत का सवाल है, हम एक वकील को जानते हैं, आपका बेटा को यूं बेल दिलवा देगा यूं। चलो रे चाचा, वकील को भेज दे रहे हैं, रुकिए। हक साला सब दोगला है, खाली बोलता है कि निकाल देंगे, कोई नहीं निकाल पाएगा। आप ही का बेटा
बेटा है जिसको जेल से छुड़वाना है? हाँ, तुम ही निकालेगा मेरा बेटा को। कौन शक है का? मेरे शकल पर मत जाइए, डबल वकील है हम। डबल वकील मतलब? अरे मेरे पास वकालत का डिग्री है, ऊपर से मेरा नाम भी वकील है, तो हुआ ना डबल वकील। चलिए आपके बेटे को छुड़ाते हैं। साला कहीं ये तो भी दोगला नहीं है। क्या बोले? कुछ नहीं कुछ नहीं। चलिए सर एक टी पानी दीजिए तो। यही दोनों आपका बेटा है? हाँ हाँ यही दोनों है। ठीक है। अरे तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम लोग का समय पूरा हो गया। समय पूरा हो गया मतलब? लगता है फांसी वाला टाइम पूरा हो गया। ए वकील, भले ही हम लोग जेल में खाते हैं खिचड़ी बासी, लेकिन आज तक कोई वकील पैदा नहीं लिया है जो हम दोनों को दिला सके फांसी। रे साला चुप रहेगा रे, ये वकील तुम लोग को छुड़ाने है, फांसी दिलाने नहीं। इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए बेल का कागज, वो दोनों को छोड़ दीजिए। वकील साहब आपको पता नहीं है, जो आ गया एक बार ही जेल उसको दोबारा नहीं मिलता बेल। अरे आप घर भर आइए मार, आपका बेटा को यूं निकाल देंगे यूं। ऐसे ऐसे झाटू वकील नहीं है, डबल वकील है हम। डबल वकील मतलब? अरे एक तो मेरे पास वकालत का डिग्री है, ऊपर से मेरा नाम भी वकील है, तो हुए ना डबल वकील। ले लीजिए पेपर, जल्दी छोड़िए दोनों को। दिवाली कंपटीशन में भाग लेने के लिए बेल चाहिए? अरे दिवाली कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहीं जेल से बेल मिलता है? जा कोर्ट से बेल लेके आओ। क्यों रे? बेल नहीं मिलेगा। ले लीजिए खाना खा लीजिए। डॉक्टर साहब ले लीजिए पहले खाना खाइए। सर बेल नहीं मिलेगा। ले लीजिए पहले खाना खाइए। सर बेल नहीं मिलेगा। साला देख नहीं रहा कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं? सर बेल नहीं मिलेगा। क्यों रे? आप खाना खाइएगा कि नहीं खाइएगा? अरे डार्लिंग तुमको कहाँ कुछ बोल रहे हो, वकील कौन बोल रहे हैं? एक मिनट रुको, तुरंत खाना खाते। सर बेल दिला दीजिए। जब एक बार बोल दिया बेल नहीं मिलेगा तुमको समझ में नहीं आ रहा है? चलो जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, यूं बेल दिला देंगे यूं, डबल वकील है, रुको कुछ करते हैं। आपका माई क्रिया, बाप क्रिया, बेटा क्रिया, बहन क्रिया, मौसा क्रिया, मौसी क्रिया, नानी क्रिया, आपकी बीवी क्रिया, अब तो आपको बेल देना पड़ेगा, नहीं तो सब मर जाएगी। हट, मरता है मरने दो। ऐसे कैसे मरने देंगे? रुको कुछ सोचते हैं। देखो इन लोग को अगर बेल चाहिए तो एक पटाखा कंपटीशन हम लोग साथ भी करना होगा, अगर इन लोग उस कंपटीशन को जीत जाता है तभी बेल मिलेगा, वरना बेल नहीं मिलेगा। तो तैयार है? हाँ हम लोग तैयार हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, कंपटीशन करवाइए। आज होने जा रहा है दुनिया का इकलौता और अजूबा कंपटीशन, जो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है, और यह पटाखा कंपटीशन दो कैदी और दो पुलिस के बीच होने जा रहा है। तो आइए शुरू करने से पहले एक टॉस कर लेते हैं कि सबसे पहले अपना पटाखा कौन उड़ाएगा। पांक। 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 तो आप टॉस जीत चुके हैं, आप क्या कीजिएगा? पहला पटाखा हम फोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ पुलिस वाले ने टॉस जीतकर पहले पटाखा फोड़ने का निर्णय लिया है। तो आइए देखते हैं इसके पटाखे में कितना है दम। ओ भाई साहब, ये कौन सा बम है? ये कोहरा बम है। तो ये है कोहरा बम, आइए देखते हैं इसमें कितना है दम, चलिए जलाइए। Yeah.
ये कैसा है कोहना बम जो चलाते ही तोड़ दिया अपना दम। आखिर ये कोहना बम दिखाई दिया अपना दम और इसका फेस कर दिया पूरा करिया। अब घर जाएगा तो अपना मौगी से खाएगा मरिया। खैर ये सब बातों को छोड़िए, आप लोग को क्या फोड़ना है लाके फोड़िए। हे भाई साहब, आप तो सेब लेके आ गए हैं, आपके पास बम नहीं है क्या? अरे भाई साहब, ये सेब नहीं है, एप्पल बम है। एप्पल बम इसका दो काम है, इसको खा भी सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं। एक मिनट, माचिस लेके आ रहे हैं। ठीक है। साला इसको खाने के लिए नहीं, उड़ाने के लिए लाए थे। जा रहे दूसरा एप्पल बम ला। रखो यहाँ नीचे। ये एप्पल बम में भी कोई दम नहीं था, साला उड़ा सो पता नहीं चला। अब आप लोग का पारी, आप लोग दिखाइए। यहाँ से बम उठा रहा। डार्लिंग पकड़ो। वाह, ये क्या गजब का नया तरीका बम उड़ाने का। तो देखते हैं इसके बम में कितना है दम। वो भाई साहब ने क्या बम उड़ाया है, इन्होंने तो 2 साल का बाल कटाने वाला पैसा बचा लिया है। एकदम टकला हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कैदी को अंदर रखना है तो इतना तो सहना पड़ेगा। हाँ तो आप लोग क्या फोड़ना चाहते हैं, फोड़िए। भाई साहब ये कौन सा बम है? इसका नाम है हांडी बम। इसका आवाज से सब कोई तोड़ देता है अपना अपना दम। अच्छा तो हम भी देखते हैं इसमें कितना है दम। फोड़िए। वाकई में इस हांडी बम में बहुत ही ज्यादा था दम। अगर आप लोग को कंपटीशन जीतना है तो इससे भी बड़ा धमाका दिखाना होगा। आप लोग तैयार हैं? हाँ। तो ठीक है, दिखाइए। ये क्या, ये कौन सा रॉकेट है? आज तक तो हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च होते हुए देखा था, लेकिन लगता है यहाँ पे चंद्रयान 4 लॉन्च होकर ही मानेगा। ठीक है, जलाइए इसको। मैडम इसको पकड़िए, थोड़ा पकड़िए ना, कुछ नहीं होगा। नो 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 ये क्या, ये रॉकेट तो आपकी बीवी को लेके ऊपर चला गया। अच्छा किया, आज तुम जिंदगी में पहली बार एक अच्छा काम किया है, बहुत खुश हैं हम। हाँ, चंद्रयान 4 तो लॉन्च हो चुका है, अगर तुम लोग को कंपटीशन जीतना है तो इससे भी बड़ा धमाका करना होगा। क्या तुम लोग तैयार है? रुको तुम लोग। Yes!
बाप रे बाप, इतना बड़ा बम, लगता है आज प्लानिंग बना के आया है, कंपटीशन जीत के ही जाएगा। ठीक है चलो जलाओ। सबका हालात देखकर लग रहा है कैदी और पुलिस दोनों कंपटीशन जीत चुका है। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम लोग को जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट कीजिए गाइज। और दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल VFX कॉमेडी को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा तो प्लीज आप लोग 1 लाख जरूर करें। और दोस्तों हम लोग जितना भी वीडियो में पड़ाका उड़ाका बम वगैरह सारा चीज उड़ाए हैं वो पूरा सेफ्टी के साथ उड़ाए हैं, तो आप लोग अगर दिवाली मनाइएगा तो पूरा सेफ्टी के साथ मनाइए और दिवाली को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए हमारी टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली।